तो चलिए कार्ड को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये राह की रस्सी किसे दिखलाती है। पाठ को शुरू करने से पहले आप सब लोग थोड़े तिब्बत के बारे में जानते हैं। नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच अजय कुमार जी हैं। अजय कुमार जी ने अपनी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है और उसके बाद इन्होंने गांधी फेलोशिप में 2 साल अपना रिसर्च करा है, राजस्थान में करा है, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में करा है। इसके बाद इन्होंने कई सारे एनजीओ में भी काम करा है, जैसे साइट सेवर्स इंडिया जैसे बेहतरीन एनजीओ में इन्होंने काम करा है। फिलहाल ये सुनो किताब नामक कंपनी का को फाउंडर है और ये जो कंपनी है सुनो किताब, एक एजुकेशन के सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन लाया है और खास करके जो गांव का हमारा एजुकेशन है, जहां पे लोग इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है और सही तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वहां पे इनकी जो कंपनी है वो काफी बेहतरीन काम कर रही है। चलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सुनो किताब क्या है और किस तरीके से काम करता है। अजय जी, आप बताइए कि आखिर ये क्या है स्टार्टअप आपका, आपने जो शुरू किया, पहले आपने स्टार्टअप शुरू किया और बाद में आप इसे कंपनी बना दिए, तो आखिर क्या है यह स्टार्टअप, हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर यह स्टार्टअप क्या है। धन्यवाद विवेक जी। तो सुनो किताब हमारी कंपनी है। सुनो किताब के द्वारा हम एजुकेशन को स्पॉटिफाई में बदल कर रहे हैं, जैसे मतलब कि गांव के बच्चों को अच्छा कॉन्टेंट अच्छे दामों पर या कम इंटरनेट पे नहीं मिल पाता है, बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होते, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो सुनो किताब इन सभी दिक्कतों को सॉल्व कर रहा है। बच्चों को एकदम जिस भी तरीके से, जहाँ पे भी बच्चा है उसके रेंज में जाकर के हम उनको कंटेंट दे रहे हैं पढ़ाने का पूरा। और सुनो किताब ऑडियो बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा बच्चे अपनी किताबों को हमारे टीचर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हमारे पास 150 से अधिक टीचर्स हैं जो बच्चों को ऑडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिसको बच्चे अपने घर पर रह करके बिना इंटरनेट जिस भी सिचुएशन में हो उनके उस तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर के बात जहां तक मैं समझ पाया हूं ये है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बच्चों के पास वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो भी चैप्टर वो पढ़ना चाहें वो चैप्टर आराम से उसे पढ़ सकते हैं। जी हाँ। और इसमें कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, स्मार्टफोन यदि नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। और ऐसे यदि बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहते हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिले हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि वो ऑडियो के माध्यम से जो है सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर पाएं। और जैसा कि आपने बताया कि आपके पास 150 से ज्यादा शिक्षक हैं, आपने इतने कम समय में बहुत बेहतरीन काम करा है और एक जो एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। तो अजय जी, आप मुझे बताएं कि आखिर इसका कैसे वर्किंग फंक्शन कैसे करते हैं आप, कैसे यदि कोई लेना चाहे आपका जो ऑडियो है उसको किस तरीके से आप करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। सो हमारी ऑडियोज हम बहुत सारे तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों तक। जिन बच्चों के पास फोन है वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर भी जाकर दे सकते हैं। प्लस जिन बच्चों के पास फोन नहीं है वो हमारा इस तरीके का एक स्पीकर आता है सुनो किताब का, जिसमें हम सारा कंटेंट डाल करके बच्चों को देते हैं। हर क्लास के लिए एक स्पीकर होता है, सो वो बच्चा वहाँ पे अपने घर पे रह करके बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के पढ़ सकता है। जैसे अभी कोविड टाइम पे स्कूल्स बंद हैं, पिछले 1 साल से लगभग बंद है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं खुल रहे हैं और इंटरनेट पे भी क्लासेस पेड होती हैं और महंगी होती हैं, बैंडविड्थ ज़्यादा लगता है। हमारे इस डिवाइस से बच्चों को बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के अपने घर पर रह करके सारा सिलेबस उसको पढ़ाया जाएगा और बहुत ही साधारण भाषा में एक्सप्लेन किया जाता है, बच्चों को बिना वीडियो के भी पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि बच्चा यदि कोई चैप्टर पढ़ना चाह रहा है तो वो किताब से अपना चैप्टर को खोल ले और ये ऑडियो जो है स्टार्ट कर दे और उसके बाद जो है वो पढ़ना शुरू कर दे। जी हाँ, मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी बच्चे को कोई ऑडियो पढ़नी है तो हम पूरा उसको सुना कर दिखा देते हैं। आप सुन रही हैं सुनो किताब। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक का पाठ 1, माता का अंचल। ये कहानी लिखी है शिव पूजन सहाय ने। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं, फिर पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो शिव पूजन जी जो थे, इनका जन्म कब हुआ था? ये जो शिव पूजन, तो ये पूरा लेक्चर आधे घंटे का होता है जिसको बच्चे हमारे यहाँ पे सारे नंबर्स दिए गए हैं। हम इसके साथ पूरा बुकलेट देते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सी ऑडियो है और कौन से विषय की है। मान लो बच्चों को अगर हिंदी पढ़ना है, हिंदी के लिए जैसे मैंने 1 दबाया तो हिंदी चल गई,
अगर बच्चे को विज्ञान पढ़ना है तो विज्ञान का जो बुकलेट है, वो विज्ञान जिस भी नंबर पे है उसको खोल करके वो नंबर देगा। मान लो कि 70 नंबर पे कौन सी ऑडियो है, अगर उसको 70 नंबर की ऑडियो सुननी है तो 70 नंबर पे जो सी ऑडियो होगी बुकलेट के साथ वो प्ले हो जाएगी। इसी तरह से जितनी भी ऑडियोज होंगी सब चलेंगी। मतलब ये हुआ कि आप नेविगेशन के लिए गाइड बुक देते हैं और उसमें जो भी नंबर पे जिस भी विषय की पाठ्यक्रम है उसको आराम से एक्सेस कर पाएंगे। उस बच्चा जो है यहाँ पे क्लिक करेगा, 12 नंबर पे देखेगा लिस्ट में कि 12 नंबर पे यदि विज्ञान है, विज्ञान का ये वाला चैप्टर है, तो 12 नंबर उसको क्लिक करेगा तो विज्ञान की जो है चीजें वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इस तरीके की बात है। जी हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा लगा हमें इसका फंक्शन को देख करके, और बहुत ही आसानी तरीके से ये एक्सेसिबल है, बिना इंटरनेट का आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि जो गांव में स्टूडेंट्स हैं, जो जहां पे इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है उस तरीके से, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास मोबाइल लेने का पैसा नहीं है, स्मार्टफोन लेने का पैसा नहीं है, उनके लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगा और वो घर पर बैठकर भी आराम से ये अपना स्टडी कर सकते हैं। मुझे भरोसा है कि ये जो आपका स्टार्टअप है ये गाँव के बच्चों को एक बहुत ही ज्यादा असिस्ट करेगा और उनको पढ़ाई लिखाई के माध्यम से बिल्कुल वंचित नहीं करेगा, जैसा कि हमने देखा है अभी लॉकडाउन में और ये सब जो पैंडेमिक का सिचुएशन है जहां पे एजुकेशन व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और वहां भी आप इसको चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अजय जी, आप बताइए कि आखिर ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, बेहतरीन प्रोडक्ट आपने बनाया है, इसका रीच कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से आपके पास ऑर्डर आते हैं और कहाँ कहाँ आप देते हैं इसको? हमारे पास राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का पूरा सिलेबस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में रिकॉर्ड करके हमने लगभग 6000 घंटे की ऑडियोज रिकॉर्ड की है, और हर क्लास के हमने बनाया हुआ है। तो अभी हमारे पास सीबीएसई पूरा दिल्ली का कंटेंट है, दिल्ली में बहुत सारे बच्चे हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं, राजस्थान में जयपुर, चूरू, झुंझुनू, इन सब डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारा ऐप तो पूरे देश भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे ऐप पे बहुत सारे यूजर्स हैं और हम इसको और भी बड़ा करना चाहते हैं फ्यूचर में, अलग अलग बोर्ड्स और अलग अलग यूनिवर्सिटीज का और बोर्ड्स का सिलेबस जोड़ करके अपने इस पूरे प्रोडक्ट रेंज में। अच्छा जी, ये बताइए कि मान के चलिए कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास इंटरनेट की सुविधाएं हैं, तो आपको आपका जो ये स्टार्टअप का उसको फायदा कैसे मिलेगा? वो नहीं चाहते कि आपका प्रोडक्ट लें, तो उसको कैसे फायदा मिल सकता है, इसके लिए आपके पास क्या आपने किया है? सो इसके लिए हमारा ऐप है, हमारा ऐप सुनो किताब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो पूरी तरह से फ्री है, बच्चे अपना पूरा कंटेंट वहां पर पे जा करके पूरा पढ़ सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। तो बेसिकली आप स्कूल में इसको भेजते हैं, स्कूल से आपके पास डिमांड आते हैं? जी हाँ, इसको हम लोग स्कूल्स को भी डिलीवर कर रहे हैं, अगर हमसे स्कूल लेना चाहे तो हम स्कूल्स को भी डिलीवर करते हैं, पेरेंट्स लेना चाहे पेरेंट्स डिलीवर करते हैं। हमारी वेबसाइट से आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, और sunokitab.com जो है हमारी वेबसाइट, वहां से बच्चे खरीद सकते हैं। तो अजय जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके पास 150 से ज्यादा शिक्षक हैं, आप इतना बड़ा एक ग्रुप को कैसे मैनेज करते हैं, इतना सारा चीज कैसे मैनेज करते हैं? और वो सब बहुत मोटिवेटेड टीचर्स हैं और हमारे साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि गांव तक शिक्षा को पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम उन लोगों को लगता है, हमें भी लगता है, क्योंकि गांव में शिक्षा बहुत ही वॉइड हो गई है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एक ऐसा बैंडविड्थ है कि बच्चों को, मान लो कि एक ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे भंडारा लगा हुआ है और बच्चे वहाँ खा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए आपकी जनता का 80% पॉपुलेशन नहुप में नहीं पहुँच पा रहा है। सब उस फर्स्ट फ्लोर को थोड़ा नीचे कर रहे हैं, ये डिवाइस इंटरनेट और स्मार्टफोन से बहुत सस्ती है, बच्चे ले सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए ताकि वो भी मोटिवेटेड फील करें कि आखिर ये आइडिया आपके पास आया कहां से, ये बहुत बेहतरीन आइडिया है और एजुकेशन जगत में एक रिवॉल्यूशन का काम करेगा, तो इतना बेहतरीन आइडिया आप कैसे, कहां से आया, कैसे आपको ये चीज? मैं 2 साल पहले राजस्थान के गाँव में काम कर रहा था, वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़ते हुए मैंने देखा कि बच्चों के पास स्कूलों में टीचर्स नहीं होते हैं और बहुत ही कम शिक्षक होते हैं जो अच्छा पढ़ा पाते हैं, ज्यादातर क्लासेस मॉनिटर के भरोसे चल रही होती हैं। सो सुनो किताब, मेरा पहले से अनुभव रह चुका है रेडियो स्टेशन में काम करने का, दौरान जब मैं यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का स्टूडेंट था तो मैंने ही उनका सिलेबस अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना शुरू किया और वो काफी सक्सेसफुल रहा, टीचर्स ने डिमांड करना शुरू किया कि आप ऐसी ऑडियोज और बनाइए, तो बहुत ही मोटिवेशन मिला और फिर मैंने पूरा सिलेबस रिकॉर्ड कर डाला और उसको भेजा। जाहिर सी बात है जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होंगे उनको भी इस पार्टिकुलर मुहिम से आपका बहुत ज्यादा उनको हेल्प हुआ होगा, क्या विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट से आपका क्या फीडबैक है, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये प्रोडक्ट विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको कंटेंट दूसरी तरह के डिवाइसेज में मिलता है और वो काफ़ी महंगा होता है, 8 से 10 हज़ार रुपये का डिवाइस आता है, और ये हमारा डिवाइस उनसे बहुत सस्ता है जिसको बच्चे ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, और उनमें ज़्यादातर कंटेंट जो उनको मिलता भी है वो सिंपल रीडिंग होता है या कंप्यूटर की ऑडियो होती है। कंप्यूटर जनरेटेड ऑडियो में बच्चों को इंगेजिंग नहीं लगता है या बोरिंग हो जाते हैं एक लेवल के बाद, लेकिन हमारा कंटेंट असली टीचर्स ने पढ़ाया है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया है,
तो ये काफ़ी ज़्यादा उन बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा है। अभी हम ब्लाइंड बच्चों को राजस्थान में और दिल्ली में शिफ्ट कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। वो हमसे और भी सिलेबस डिमांड करते हैं कि क्योंकि ब्लाइंड बच्चे ज़्यादातर ओपन का सिलेबस फॉलो करते हैं क्योंकि ओपन का सिलेबस उनको पढ़ाया जाता है, नॉर्मल CBSE स्कूल्स में या बोर्ड के स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं वो लोग। तो ओपन का सिलेबस भी हम लोग उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं और ये ब्लाइंड बच्चे तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसका। अजय जी, एक लास्ट प्रश्न का जवाब हमारे दर्शकों को दें कि आगे क्या प्लान है, आप किस तरीके से इसे और एक्सपेंड करना चाहेंगे? सो अभी हमारे पास दो बोर्ड्स हैं, राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड और NCERT, जितने भी बोर्ड्स में फॉलो किया जाता है। UP में बहुत जगह फॉलो किया जाता है, MP में फॉलो किया जाता है। सो इनका तो सिलेबस है। हम लोग और भी लोकल भाषाओं में कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तो है, साथ में हम लोग मारवाड़ी, भोजपुरी, इन सब भाषाओं में भी हम लोग कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे क्योंकि गांव के बच्चों का जब एजुकेशन की बात आती है तो अंग्रेजी माध्यम ऑप्शन नहीं रह जाता है और कई कई जगहों पे हिंदी माध्यम भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो हमारा ये मोटिवेशन है, हमारा ये विजन है कि हम कम से कम और भी भाषाओं में सिलेबस लॉन्च करें और भी बोर्ड जोड़ें, UP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सभी बोर्ड हम अपने सिलेबस में अगले 1-1.5 साल में लाएंगे। बिहार बोर्ड थोड़ा पहले कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा आपका काम है और मुझे आशा है कि इस आपके इस काम से देश में एक अलग तरीके का एक वेव क्रिएट होगा जहां पे हर व्यक्ति, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो किसी भी छोटे जगह से हो और वहां इंटरनेट की सुविधाएं हो या नहीं हो उसे फर्क नहीं पड़ता, वो हर कोई व्यक्ति एक रेडियो के माध्यम से, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इससे अपने पाठ्यक्रम को आसानी से पढ़ सकता है। यदि शिक्षक वहां नहीं है, अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि आपका जो इन्होंने ये बनाया है कंपिटेंट शिक्षक, जो यहाँ पे पाठ्यक्रम इन्होंने डाला है, वो उसको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों, यदि आप में से कोई व्यक्ति इस पार्टिकुलर स्टार्टअप को देखना चाहता है, इनके काम को देखना चाहता है, तो नीचे इनका वेबसाइट भी दिया गया है, उस वेबसाइट पे जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं देना है, आप जाकर के उसको वहां पे चेक कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इनके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि कंप्लीटली फ्री है, पैसा नहीं लिया जाएगा। पैसा तभी लिया जाएगा जब ये प्रोडक्ट, यदि कोई स्कूल जो है डिमांड करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बहुत ही मिनिमम चार्ज इसका जो है करीब 2,500 के आसपास का पूरा एक साल का जो है चार्ज है, जो कि आप क्लास 10th में है, 11th है, 12th में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज इसमें जो है दिया गया है। तो जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर के इनके वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपको जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है तो अपने आसपास के लोगों में इसे शेयर करें, उनको जानकारी दें ताकि हर व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन, जो कि हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, हर व्यक्ति का ये राइट है कि वो एजुकेट हो। तो इस तरीके का जो मुहिम ये चला रहे हैं, इस तरीके का जो ये सोशल वर्क कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है और हम में से हर एक व्यक्ति को इसे प्रमोट करना चाहिए और इसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है अजय जी, तो ये काम करने के लिए मेरी शुभकामनाएं, आगे आप भी इस तरीके से अच्छा काम करते रहिए और मेरी कोई जरूरत पड़े तो आप जरूर हमें बताइए, हम सारे लोग आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। हमारे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, फिर से कभी और मुलाकात होगी और इसी तरीके से आप जो है काम करते जाइए ताकि हर व्यक्ति जो है एजुकेट हो और हर व्यक्ति के पास जो है ये एजुकेशन की जो बात है वो पहुंच पाए। चलिए, फिर से कभी आपसे मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए।